बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, क्या राज्यसभा जाकर के बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार छोड़ने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार अब रिटायर हो जाएंगे, इन सभी बातों को लेकर के आने वाली बड़ी खबरें जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी एक बिहारी और बिहार से बिलोंग करते हैं तो आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, खबरों में विस्तार से बताएंगे आज की बड़ी खबर में। उत्तर प्रदेश के विपक्ष ने कैसे किया योगी सरकार पर हमला और किस तरीके से आदित्यनाथ अब घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर के योगी आदित्यनाथ की बढ़ती मुश्किलों का सबक क्या है, बड़ी रिपोर्ट बताएंगे विस्तार से। लगातार बिजली का रेट भी अब महंगा होगा, गैस सिलेंडर के बाद में अब बिजली का दर कीमत बढ़ने वाली है, जानिए कितने रुपए का उछाल होगा वीडियो के अंदर विस्तार से। मई और जून के महीनों में कोरोना की क्या एक बार फिर से लहर आएगी, जानिए वीडियो के माध्यम से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कुछ कहा, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत अब 200 रुपए तक जाएगी, 275 रुपए प्रति लीटर तक चला जाएगा पेट्रोल, जानिए क्या है, चौक जाइएगा आप भी पीछे की हकीकत को जान करके। इसके साथ ही बताएंगे टोल प्लाजाओं पे 25% टोल के बढ़ने के बाद में अब आपके भी गाड़ी से कितना कटेगा टोल, पूरा विस्तार से बताएंगे। और आज के मुख्य और बड़ी समाचार के अंदर बताएंगे कि इस वक्त की बड़ी खबर जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है, जी हां, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, जानिए क्या है राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्य और बड़ी समाचार। इसके साथ साथ बीएसईबी बोर्ड के 10वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को मिली बड़ी खुशखबरी के बड़ी का अनुसार इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों को अब आपको बिहार में रोकने के प्रयास जारी, लगातार चल रही है नीतीश कुमार की बुलडोजर, आ रही है बड़ी रिपोर्ट, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कैसे बच रही है कुर्सी, सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका कर्तव्य है, कर दीजिए, करते हैं खबरों को विस्तार से। आइए सबसे पहले अब खबरों को विस्तार से देखते हैं इस वक्त के मुख्य और बड़ी समाचार से। नीतीश कुमार की अब मुश्किलें क्या बढ़ने वाली है, क्या नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति बनेंगे, राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार, इन सभी बातों को लेकर के अटकलें तेज थी। लेकिन नीतीश कुमार जब आज वोट डालने एमएलसी प्रत्याशी के लिए आज वोट डालने पहुंचे, वहां पर जब नीतीश कुमार से इसके बारे में सवाल पूछा गया, अक्सर पेपरों में छपते हुए आप भी देखते होंगे कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, नीतीश कुमार अब जी हाँ यहाँ से अपडेट करेंगे अपने आप को, उसके बाद में नीतीश कुमार ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, यह खबरें कहाँ से आती है और कैसे छपती है ये तो मुझे भी पता नहीं, मैं खुद इन खबरों को देख करके चौंक जाता हूँ कि क्या ये कैसा निर्णय है, भला मैं अभी तक किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव रखा ही नहीं, लेकिन मेरे बिना रखे प्रस्ताव को भी लोगों ने किस तरीके से इतना प्यार दे दिया। लेकिन अगर जी हाँ नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये भी बड़ा सवाल बनता है अपने आप में। आइए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। वैसे दोस्तों लगातार बिहार की राजधानी पटना की बात करें या फिर बिहार के विभिन्न हिस्सों की बात करें तो गोलीबारी और क्राइम रिपोर्ट का असर बढ़ गया है, व्यापारियों के अंदर अब खौफ आ गई है, अपराधी लगातार अपराध को किए जा रहे हैं, ना थक रहे हैं ना थकने दे रहे हैं। इस दौरान अपराधियों ने कई प्रकार से बड़े बड़े हमले कर और जेडीयू के नेताओं को भी गोलियां मारी गई, इस दौरान व्यापारी की भी गोलियां मारी गई। अब सड़कों पर उतरने वाली भीड़ को देखते हुए नीतीश कुमार ने आज बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि आपराधिक घटनाएं होती हैं तो अपराधियों को हमारे द्वारा बचाया नहीं जाता, हमने अपराधियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई और एक्शन लेने का फैसला लिया है, अपराधियों को ना बचाया जाता है और ना फंसाया जाता है, लेकिन जो अपराध में है उनको किसी भी हालत में बेल पर बाहर भी रहने का मौका हम नहीं देते। नीतीश कुमार ने आज ये बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि कुछ छिटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बड़ा दौरा, जी हाँ, उत्तर प्रदेश को फतह करने के बाद में गुजरात की निगाहें बनाए रखे हैं, जम्मू कश्मीर और राजस्थान भी योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का गढ़ जी हाँ बनने जा रहा है, यह हम नहीं ये योगी आदित्यनाथ और भाजपा के नेताओं का बड़ा बयान है। जब भाजपा ने अपने कई बयानों में साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर हो या फिर लेह लद्दाख हो या फिर
करें राजस्थान की, गुजरात की, तो इन जगहों पर भी हमारी यह जीत होने जा रही है। लेकिन क्या जनता महंगाई के इस मार में भी प्रधानमंत्री के चेहरों पर इतना ट्रस्ट और विश्वास कायम करती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए स्थापितों को एक बार फिर से वह लहरा सके? लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि किसकी सरकार रहेगी और किसकी सरकार गिरेगी। लेकिन यहाँ इस वक्त प्रधानमंत्री द्वारा दावेदारी मजबूत की जा रही है। एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। लगातार बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आ रहा है। तेजस्वी यादव ने कई बार अपने बयानों में यह साफ कर दिया है कि चोर दरवाजों से आई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा ना तो क्राइम रिपोर्ट को रोका जा रहा है और ना ही कुछ, यह सरकार नहीं यह सर्कस चल रहा है। नीतीश कुमार पर कई बार गंभीर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने बयान दिया, लेकिन आज तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं इसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। एक प्राइवेट मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव ने आज बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि घटनाएं छिटपुट हो रही हैं, तो आप ये बताते क्यों नहीं कि आप पे भी गुस्सा चलाने वाले ने क्या छिटपुट घटनाओं में आती है? और मैंने तो उसी वक्त चैलेंज कर दिया था कि कोई भी अफसरों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, और कुछ ऐसा ही हुआ। इसके साथ ही नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट है, अब आप रिटायर हो जाइए, समय हो गया है। उन्होंने कहा जश्न हम क्यों नहीं मनाते, ये तो दूर की बात है, जश्न आप मनाते हैं ये जान लीजिए चोर दरवाजों से आकर के। चलिए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। लगातार 14 दिनों में 13 बार पेट्रोल और डीजल की कीमत 80-80 पैसे कड़ के लगातार आसमान को छू गई है। पेट्रोल की कीमत अब 100 के आंकड़े को पार 200 के करीब जाने लगी है, लेकिन सरकार को इस पर कोई भी चिंता नहीं है। सरकार पेट्रोल के दामों को रोकने या फिर थामने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। सरकार ने पेट्रोल और दामों को ऐसे ही बढ़ने देना ही अपना उचित समझा है। महंगाई की मार अब अंतिम सीमा पार चली गई है, जहां से लौट कर आना एक नामुमकिन जैसा सबक है। लेकिन उसके बावजूद भी देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की महंगाइयों ने गरीबों को लाचार और गरीब और बनाना शुरू कर दिया है। दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी 360 रुपए करके 300 रुपए तक मिलती है, और एक पेट्रोल की कीमत बैठे बैठे सरकार आधा कस्टम ड्यूटी खा करके पेट्रोल की कीमत को वह 120 और 25 रुपए प्रति लीटर तक बेचती है। इन सभी चीजों को लेकर के गंभीर हालत। चलिए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, शिवपाल सिंह यादव को लेकर के। जहां शिवपाल सिंह यादव ने दिखाई अपनी ताकत, अब शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल। शिवपाल सिंह यादव ने अपनी ताकतों को दिखाते हुए साफ कर दिया कि वह अब इस बार जो है वह किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं। ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को फॉलो कर जहां अखिलेश यादव के पीछ में खंचर मार भाग चले शिवपाल सिंह यादव। अखिलेश यादव इस बयान को देते आ रहे हैं कि चाचा भले ही नाराज हैं, लेकिन उन्हें मनाने का प्रयास जारी है। मुलायम सिंह यादव के समधी ने शिवपाल सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी में जाने का एक की साफ तौर पर सलाह दिया था। अब समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायकों ने भी यह कहने लगे हैं कि समाजवादी पार्टी समाप्त की ओर पार्टी जाने लगी है, यानी अब यह पार्टी उत्तर प्रदेश से विलय और समाप्ति की ओर जाने लगी है। ना तो बुजुर्गों का श्रेष्ठ और अभिमान और की तमाम चीजों को देखा और नहीं कुछ, इन सभी चीजों को लेकर के आ रही बड़ी रिपोर्ट। चलिए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। द कश्मीरी फाइल्स जैसे मूवियाँ आती हैं उसके बाद में देश में कई प्रकार से बवाल मचना तो लाजमी है, लेकिन इस दौरान बवाल मचा था कि कश्मीरी पंडित वापस कब आएंगे। द कश्मीरी फाइल्स भले ही रिलीज हो गई हो, बॉक्स ऑफिस पर धमाके की हो, करोड़ों की कमाई की हो, लेकिन इस दौरान इस करोड़ों की कमाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने ही इस फिल्म को प्रमोट किया और इस पर ही सवाल उठने लगे कि मान लेते हैं कांग्रेस ने अगर आपको कांग्रेस ने अगर भारतीय जनता पार्टी यानी कांग्रेस ने अगर कश्मीरी पंडितों को भगाया था, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों को बसाने का कार्य कितना तक किया है, कितनी वापसी हुई है कश्मीरी पंडितों की। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के मोहन भागवत अब जिया कश्मीर के दौरे पर बोले कि बहुत जल्द जिया कश्मीरी पंडित कश्मीर आएंगे और अब कश्मीर का एक बार फिर से सुनहरा अवसर मिलेगा, तो कश्मीर को वापसी की ओर ले जाने की तैयारी शुरू।
चलिए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की मुख्य समाचार जो अभी अभी निकल कर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मनोबल बढ़ गया है। लगातार जीत हासिल किए जाने के बाद में, पंजाब के जीत के बाद में, जी भागवत मान को मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने एक देश के अंदर इतिहास रच दिया है। ऐसी पार्टी जो देश की तीसरी बड़ी पार्टी हो, उन्होंने दो राज्यों में सरकार चलाकर दो दो मुख्यमंत्रियों को दे दिया। अब गुजरात और इसके साथ साथ हरियाणा, जम्मू कश्मीर पर भी नज़रें जमाए हुए हैं। पहाड़ियों में भी जा करके अब आम आदमी पार्टी जल नल योजना, परियोजना और इसके साथ साथ तमाम योजनाओं की बात करते हुए पार्टी की सरकार बनाने की तैयारी शुरू की है। लेकिन ये तो वक्त बताए कि वक्त के साथ कितना अरविंद केजरीवाल अपने आप को अपडेट कर पाते हैं और कितना ज़्यादा फायदा हो पाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।